ये 11 सालों से करते आ रहे हैं। हमने 40 प्लस तक शादियाँ करवा दी हैं। सामूहिक विवाह जो चल रहा है, ये तारीफ़ काबिल है। ये संस्था जो जमीनी स्तर पर जुड़कर काम कर रही है, एक पिता अपनी पूरी जिंदगी की पूंजी अपनी बेटी की शादी में लगा देता है। एक पिता पूरी जिंदगी मेहनत करता है ताकि वो अपनी बेटी की शादी करवा सके, लेकिन कुछ ऐसे भी पिता होते हैं जो इतने सामर्थ्य नहीं होते कि वो अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करा सके। ऐसे में कुछ संस्थाएं जो होती हैं वो ऐसे लोगों की मदद करती है, जैसे कि एक संस्था है साई क्लब नारंग कॉलोनी। ये संस्था जो है ऐसे ही लोगों की मदद करता है, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी। नमस्कार, मैं हूं तनीषा और आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। और इस वक्त मैं दिल्ली के त्रिनगर में मौजूद हूं, जहां पर एक संस्था है साई क्लब नारंग कॉलोनी से, जो ऐसे लोगों की शादी करवाता है जो इतने सामर्थ्य नहीं होते कि खुद जो है धूमधाम से अपनी शादी करवा सके। जैसे कि मेरे पीछे आप यहाँ पंडाल देख ही रहे होंगे कि कैसे भव्य तरीके से यहाँ पर पंडाल लगाए गए हैं, ताकि यहाँ पर जो नवविवाहित जोड़ा है उनकी शादियाँ करवा सके। और अभी मेरे साथ जो है इस संस्था के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम बबलू शर्मा। क्या क्या कहना चाहेंगे इस समारोह के बारे में? समारोह, मैं साई क्लब नारंग कॉलोनी जो संस्था है उसका अध्यक्ष हूँ, और ये जो सामाजिक कार्य साइकिल मंडल पिछले 11 सालों से करता आ रहा है, इसमें विभिन्न कार्य करते हैं हम। जो हर महीने भंडारे का आयोजन होता है, बच्चों को खेलों के लिए क्रिकेट आयोजन होता है, और ये 11 सालों से करते आ रहे हैं हम। तक आप कितनी शादियां करवा चुके हैं? हमने 40 प्लस तक शादियां करवा दी हैं। इनमें रजिस्ट्रेशन कैसे होता है फिर? रजिस्ट्रेशन के लिए हम इनसे जो इनके एरिया हैं, जैसे लम्बे जो जरूरतमंद परिवार हैं, उनसे हम संपर्क करते हैं, तो आगे हमसे आते हैं, उनके प्रॉपर वेरिफिकेशन के साथ उनके फार्म भर जाते हैं, मतलब रिश्ते परिवार रिश्ता करके रखते हैं, हम उनका पूरा खर्चा उठाते हैं मंडल। सर, आपका नाम? मैं डॉक्टर मनीष बंसल। आप सभी को जय श्री श्याम, जय श्री राम। युवा मोर्चा अध्यक्ष त्रिनगर मंडल। मैं साई क्लब नारंग कॉलोनी के अध्यक्ष व संयोजक इस कार्यक्रम के बड़े भाई बबलू शर्मा और इनकी पूरी टीम को धन्यवाद करता हूं, जो पिछले एक दशक से समाज के प्रति इतना अच्छा कार्य करते आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहां पर पंडाल लगे हुए हैं, जो फेरे चल रहे हैं, 4 गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह जो चल रहा है, ये तारीफ़ काबिल है। ये संस्था जो जमीनी स्तर पर जुड़कर काम कर रही है। सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है, जहां और संस्थाओं में होड़ लगी हुई है, उसने 5 सिंगर बुलाए हैं, मैं 7 बुलाऊंगा, उसने 7 बुलाए हैं तो मैं 9 बुलाऊंगा। इस संस्था का दिलचस्प बात यह है, हमने पिछली बार 2 विवाह करे, इस बार हम 5 विवाह करेंगे। ऐसी संस्था के लिए सर फंडिंग की जरूरत पड़ती है, तो फंडिंग कैसे होती है? देखो, फंडिंग के लिए एक छोटा सा गिलहरी सा योगदान हमारे मेरे रूप से, मुख्य संरक्षक के रूप से, और भी भाई हैं जो इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, खुद तन मन धन से एक एक संस्था का एक एक सदस्य इस कार्य में लगा हुआ है, जो समाज के प्रति कार्य को कर रहा है। एक सिर्फ सामूहिक विवाह नहीं, भजन संध्या हो, हर महीने भंडारे का रूप हो, बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए हर साल क्रिकेट का आयोजन हो, क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन के अंदर करीब करीब 11 टीमें इसमें सहयोग करती है, सम्मिलित होती है, जिसके अंदर 11,000 रुपये की फर्स्ट पुरस्कार होता है, 5100 रुपये का सेकंड पुरस्कार होता है, और 3100 रुपये का थर्ड पुरस्कार होता है। टोटल मिलाकर अगर हम ये कहें कि इस संस्था को जमीनी स्तर से जोड़कर देखा जाए, तो ये बहुत अच्छे काम कर रही है। यहाँ पर जो जोड़े आते हैं उनका रजिस्ट्रेशन कैसे हो? रजिस्ट्रेशन पहले जोड़ों को एक दूसरे से मिलवाया जाता है, उसके बाद उनके आपस में सहमति बनाई जाती है, सहमति बनाने के बाद उनका एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उनको विवाह के लिए एक टाइम और डेट दिया जाता है, जिसके अंदर एक बाप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि मैं बच्चे को कुछ सब कुछ दूँ। उसी तरीके से ये संस्था भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि अपनी तरफ से हम सब कुछ उस बच्चे को दें। अब जोड़े कैसे डिसाइड करते हो कि इसके लिए ये जोड़ा अच्छा रहेगा? देखो, वो आपस में जब लड़के और लड़की को मिलवाया जाता है, परिवार को मिलवाया जाता है, मिलवाने के बाद जिस तरीके से एक दूसरे का आपस में मतभेद, जो कुछ भी किसी तरीके की कोई बात होती है, वो बातचीत करवाई जाती है, उसके बाद वो क्लियर किया जाता है। सर, आप क्या कहेंगे इस समारोह के बारे में? ये समारोह हमारा पिछले 10 साल से चल रहा है, और इस पर हमारी टीम है, हमारी टीम के जो पूरे सदस्य हैं बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, एकजुट होकर काम करते हैं, और
सब अपना अपना योगदान देते हैं, उसके साथ ही साथ सब एकजुट हो गए। सारा काम हमारा मासिक बन रहा है। एक बारी में कितनी शादियां करवा लेते हैं? एक बार में हम 4 कराते हैं हर साल, 40 की अब तक हो चुकी है, पर साल हम 4 कराते हैं। हर साल 4 लोगों की शादियां और उनको पूरा दहेज सारा सामान वगैरह। हम दिल्ली में ही शादियां करवाते हो, दिल्ली से बाहर भी? हमारा सारा प्रोग्राम दिल्ली का ही है जी। कभी मौका मिला अगर आगे बढ़ेगी हमारी संस्था तो हम बाहर भी जाके पूरा शो करेंगे इस काम के लिए। जो कपल्स वगैरह यहाँ के होते हैं वो दिल्ली के ही होते हैं जिनके आप शादी? कपल वगैरह हम कहीं से भी ले लेते हैं, उनकी आप जो सहमति हो कहीं से भी आ जाए। हमारा काम सिर्फ शादी कराना है और उनका पूरा अरेंजमेंट करना है। कपल कहीं से भी आए हम शादी कर देते हैं, उससे कोई आपत्ति नहीं है हमारे को कि दिल्ली का है कि दिल्ली से बाहर का। इस संस्था की कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद है, चलिए इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप समारोह में? जो भी मतलब कार्यक्रम करते हैं बहुत बढ़िया करते हैं और हर साल करते हैं तो अच्छा लगता है यहाँ के हमें भी। और संस्था के साथ जुड़ी हुई हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगता है ऐसी संस्था। आप क्या कहेंगी? ओम साई राम राधे कृष्णा। मैं ये चाहूँगी बस ये जो साई क्लब है ये दिन दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, बस यही मेरी कामना है। सर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने फायदे के लिए अपने आपको असमर्थ बताते हैं, तो उसमें आप कैसे चूज करते हैं कि हाँ इन लोगों को सही में जरूरत है और इनकी शादी करवानी चाहिए? देखिए ये संस्था का जो एक्सपीरियंस है वो पिछले 1 दशक+ है, जिसके अंदर हम सामने जितने भी जोड़े हमारे पास आते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, उनके वेरिफिकेशन के लिए हम उनके आईडी प्रूफ लेते हैं। आईडी प्रूफ के बाद अपनी एक महिला शक्ति की पूरी टीम है, दूसरी अपनी जो यूथ विंग है हम उनके घर टू घर जाकर उनका वेरिफिकेशन करते हैं, उनको पूरे प्रॉपर थाने दर थाने वेरीफाई करके आते हैं कि पिछला इनका समाज के अंदर किस तरीके का योगदान रहा है, कैसे इनकी प्रतिक्रिया रहती है, तो उनको पूरी वेरीफाई करने के बाद ये संस्था उनका रजिस्ट्रेशन पास करती है। उसके बाद दोनों जोड़ों को हम आगे लेकर जाते हैं और उनका विवाह समारोह हम करते हैं। जैसे आपने कहा कि 11 साल से आप शादियां करवा रहे हैं, तो कभी ऐसा भी आया है कि कोई डिवोर्स वगैरह का आ गया हो शादी करवाने के बाद? श्याम बाबा के परिवार की तरफ से कोई दिक्कत आई हो या लड़की के परिवार की तरफ से? श्याम बाबा की और साईं बाबा की कृपा इस मंडल के ऊपर इतनी है कि दिन दुगनी रात चौगुनी हम तरक्की कर रहे हैं। अभी तक एक भी परिवार ऐसा नहीं है जिसके अंदर किसी टाइप का हमने मतभेद देखा हो, सारे परिवार सुख शांति अच्छी तरीके से फल फूल रहे हैं, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है। और भी जो भी सामाजिक रूप से हमसे योगदान हो पाता है हम जरूर करते हैं। पिछले भी जोड़े यहाँ पर आए हुए हैं जिनका लास्ट ईयर विवाह हुआ था, वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और वो अपना यहाँ पर आके बताते हैं कि हमने यहाँ से इस संस्था से हमें इस तरीके से सहयोग मिला था और वो बहुत अच्छा चल रहा है। सर जैसे कि लड़कियों की शादी करवाई जाती है तो उनके परिवार वाले चाहते हैं कि अगर उनकी बेटी की शादी हो तो स्त्री धन वगैरह जो बेटियों की ज़रूरत है वो उसे मिले, तो वो आप कैसे करते हैं? देखो अभी मैंने एक बात आपको बोली थी, जैसे कि एक बाप अपनी बेटी को सब कुछ सोचता है कि मैं उसको पता नहीं क्या दे दूँ, उसी तरीके से इस संस्था के अंदर आप देखेंगे कि इस तरीके से हमने इस संस्था के अध्यक्ष और पूरी टीम ने मिलकर ये कार्यक्रम किया हुआ है। 31+ आइटमें जो डेली यूज़ के अंदर होती हैं, जिसके अंदर अलमारी हो गई, अटैची हो गई, चेयर हो गई, डबल बेड हो गया, फ़ैन हो गया और डेली यूज़ के कपड़े हो गई। जिस तरीके से संस्था आपको दिखा रही है कि 31+ आइटमें हम लोग उनको दहेज के तौर पर नहीं एक गिफ्ट के तौर पर हम संस्था ये देती है ताकि निजी रूप से वो हर रोज़ अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। कुछ जोड़े जो है जो आप बनवाते हैं, लेकिन कुछ जोड़े जो पहले से बनकर आते हैं वो बस चाहते हैं कि आप शादी करवा दें, तो ऐसे भी यहाँ पर बिल्कुल होता है। मैं आपके माध्यम से एक रिक्वेस्ट गुजारिश करना चाहूँगा कि जो भी इस समाज के अंदर इस संस्था से किसी तरीके से जुड़ना चाहता है, चाहे वो सामूहिक विवाह हो गया या किसी तन मन धन तीनों रूप से किसी भी तरीके से जुड़ना चाहता है, वो साईं क्लब नारंग कॉलोनी से संपर्क करे और हमें सेवा का मौका अवश्य दे। मैं अपने बड़े भाई बबलू भाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस तरीके का समाज के अंदर एक मैसेज जो जाता है कि आपने ज़मीनी स्तर पर जिस तरीके से समाज को उठाने के लिए एक मैसेज दिया, वो बहुत बड़ा कार्य ये संस्था कर रही है। मैं पूरे टीम को, पूरी सदस्य को, पूरी इनकी नारंग कॉलोनी क्लब को साधुवाद करता हूँ कि अच्छा कार्य इसी तरीके से करते रहें। 11 साल से आप इस संस्था से जुड़े हुए हैं, कितनी शादी करवाई, कितनों को आशीर्वाद दे चुके हैं? बेटे परमात्मा की दया से 11 साल से इन लोगों के साथ जुड़ा हूँ श्री साईं क्लब नारंग कॉलोनियों की ओर से। हर साल जिस प्रकार से भव्य आयोजन करते जा रहे हैं और बढ़ता ही जा रहा है और प्रभु से कृपा करके आशीर्वाद रूप में यही मांगते हैं कि भगवान इस संस्था को इसी प्रकार से आगे बढ़ाए। जिन बच्चों के विवाह संस्कार से मैं जुड़ा हूँ लगभग मुझे लगता है 11 चौक 44। कितने जोड़ों को एक कर चुके हैं अभी तक?
44 जोड़ों को इस संस्था से जुड़ करके। सेवादारी भगवान के चरणों में है। छोटे भैया आशु जी जिन्होंने फेरे कराए हैं साथ में, आप उन पर जरा एक बार नजर लेंगे, ठीक है। और ये दो बच्चे आज मेरे साथ बैठे, एक का नाम दीपक है, दूसरी बेटी हमारी फूला नाम है। फूलो फूलो हंसो फूलो 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 नहीं देखो फूलो नहीं फलो फलो फूलो। कैसा लग रहा है आपको इतनी भव्य तरीके से आपकी शादी करवाई जा रही है? बस बहुत अच्छा लग रहा है। आप इस शादी से बताओ, आप क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँगा, जो है सब अच्छा हुआ सबकी कृपा से। मेरा संस्था से कैसे जुड़े आप, कैसे पता चला आप? जी हमारी एक आंटी हैं, बिमला आंटी, ये आंटी, हम इनके जरिए हमारा ये विवाह संपूर्ण हुआ है। आप कहाँ से हैं? लालबाग से। आपका नाम? रेन। कैसा लग रहा है आपको इतनी भव्य तरीके से आपकी शादी हो रही है? बहुत अच्छा। आपका नाम? मेरा गोविंद कश्यप। आप कहाँ से? मैं डिस्ट्रिक्ट बदायूं से। आप क्या कहना चाहेंगे इतनी भव्य तरीके से आपकी शादी की? हम बहुत अच्छा। संस्था के बारे में कैसे पता चला? बहुत मुझे पता नहीं चला, बाकी इन्होंने ही बताया था मुझे कि ऐसे कुछ है वहाँ पे गवर्नमेंट। आपका नाम? अंजलि। कहाँ से हो आप? अशोक विहार से। कैसा लग रहा है इतनी भव्य तरीके से आपकी शादी हो रही है? अच्छा लग रहा है। और आपका नाम? नवीन गौतम। आप कहाँ से? मैं बॉर्डर से। क्या कहना चाहेंगे जी इतनी भव्य तरीके से आपकी शादी? अच्छा लग रहा है। आपके परिवार वाले भी आए हैं? हाँ वो बैठे सारे। कैसे पता चला इस संस्था के बारे में आप? ये इनके मम्मी पापा ने बताया तो हमें पता पड़ा, नहीं हमें तो पता नहीं था जी। क्या कहना चाहेंगे, कैसे शादी हुई है बताइए? अच्छी हुई है। खुश है आप? बढ़िया है। हम इस चीज़ के लिए आ गई हैं, ऐसा होना चाहिए सभी के लिए, हमारे लिए सभी के लिए। तो आपको श्रीधन दिया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? उसे हम ये कहेंगे बच्चों के लिए अच्छा है, सब कार्य कर रहे हैं, बढ़िया बात है, धन्यवाद। तो यहाँ पर आपने देखा ये संस्था उन जोड़ों की शादी करवाते हैं जो उतने समर्थ नहीं होते कि अपनी शादी वो भव्य तरीके से करवा सके। यहाँ पर हमने संस्था के ऑर्गेनाइजर से भी बात की और उनका ये कहना है कि वो 11 साल से यहाँ शादी करवा रहे हैं और अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है। यहाँ पर हमने जो भी नवविवाहित जोड़े हैं उनसे बात करी, उनके परिवार वालों से बात की, काफ़ी ज़्यादा खुश हैं वो इस समारोह में। और जैसे कि संस्था का कहना है कि जो भी इनकी मदद करना चाहता है, जो भी संस्था से जुड़ना चाहता है, जरूरतमंदों की मदद कर सकता है, वो खुलकर यहाँ पर आ सकता है और उनकी मदद कर सकता है। और ऐसे ही रोचक खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।